हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे गर्मियों की स्पेशल रेसिपी जो आप सभी को बहुत पसंद आने वाली। तो आज के इस वीडियो में आपके साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी सी कुल्फ़ी की रेसिपी शेयर करी, वो भी एक कुल्फ़ी नहीं बल्कि चार कुल्फ़ी, जो कि अलग अलग फ्लेवर में हम इसे बना के तैयार करेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से, कम चीज़ों में। आप बिल्कुल मार्केट जैसी कुल्फ़ी घर पर बना के तैयार कर सकते, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए बनाते हैं यहाँ पर पहले मावा कुल्फ़ी। और इसे बनाने के लिए यहाँ पर आपको लेना है 1.5 कप दूध और 1/2 कप यहाँ पर मावा ले लीजिएगा। अगर आपके पास मावा नहीं तो आप यहाँ पे मिल्क पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पे वनीला एसेंस और यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड बनाना शुरू करते हैं, इन सभी चीज़ों से कुल्फ़ी बनाएंगे। तो सबसे पहले गैस पे इस तरीके के बर्तन रखेंगे और इसमें हम यहाँ पर डाल देंगे दूध। और दूध डालने के बाद दूध को अच्छे से गर्म करना है, यानी कि दूध में बढ़िया सा उबाल आने देना है। तो देखिए दूध में एक उबाल आ चुका है, दूध कुछ इस तरीके से अच्छे से गर्म हो जाए। तो यहाँ पर दूध बढ़िया सा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ यहाँ पर चीनी। तो यहाँ पर चीनी आप अपने अनुसार डालिएगा, जैसे भी कम मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर चीनी डालने के बाद चीनी को बढ़िया से मिक्स करना है। अब इसमें ऐड कर देना है यहाँ पर 1/2 कप के लगभग ये मावा। मावा डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और दूध के साथ इसे बढ़िया सा पकाएंगे, जब तक मावे का फ्लेवर दूध में बढ़िया सा आना जाए। अगर आपके पास यहाँ पर मावा नहीं तो आप यहाँ पर 2 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर भी ले सकते हैं। और यहाँ पर अब मैं इस्तेमाल करें 1 बड़ा चम्मच कस्टर्ड, जिसमें हम थोड़ा सा दूध डाल के बढ़िया सा मिक्स करेंगे। तो बस अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पे मिल्क पाउडर ले लीजिए, या फिर आप यहाँ पे दूध की क्वांटिटी ज़्यादा लीजिए और उसे थोड़ा सा गाढ़ा कर लीजिए। तो आपकी कुल्फी बिल्कुल परफेक्ट मावे जैसे बनके तैयार हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमने कस्टर्ड वाला दूध इसमें डाल दिया है, अच्छे से मिक्स करेंगे, इसे गाढ़ा होने तक बढ़िया सा पका लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दूध बढ़िया से गाढ़ा हो चुका है, अच्छे से पक भी गया है। तो गैस को ऑफ करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। जब ये बढ़िया से ठंडा हो जाएगा तो इसमें आपको यहाँ पर ऐड करना है वनीला एसेंस। तो मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड कर रही, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। आपको इसमें आइसक्रीम में वनीला का फ्लेवर मिलेगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो बढ़िया सा मिक्स करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके की कुल्फ़ी वाला मोल्ड ले लेना है। अगर ऐसा मोल्ड नहीं है तो आप यहाँ पे कोई भी पेपर कप या फिर कोई भी कटोरी या फिर ग्लास में कुल्फ़ी को जमा सकते हैं। तो चलिए मेरे पास ये मोल्ड था तो मैं इसी में आपको फिल करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये कुल्फ़ी वाला मिक्स इसके अंदर डालना है ये दूध, और देखिए इस तरीके से, और इसके ऊपर इस तरीके के कोई भी पॉलीथीन इसके ऊपर लगा करके रबर बैंड से सील कर दीजिएगा। ऐसा करने से क्या होगा, जब आप इस कुल्फ़ी को फ्रीज़र में जमने के लिए रखेंगे तो इसमें बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल नहीं होंगे, एकदम स्मूथ बिल्कुल मार्केट जैसी कुल्फ़ी आपके घर पर बन के तैयार होगी। तो इस तरीके से देखिए मैंने लगा दिया इसके ऊपर ये पॉलीथीन। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर थोड़ा सा कट का निशान लगाएंगे इस तरीके से। तो चाकू को गर्म कर लीजिए, इस पर कट का निशान लगाने के बाद ये आइसक्रीम वाली स्टिक इसके अंदर डाल दीजिए। ये देखिए, तो इस तरीके से स्टिक को हम इसके अंदर डाल देंगे और बस ये देखिए रेडी हो चुका है। आप इसे किसी भी यहाँ पर इस तरीके से टिफिन ले लीजिए, इसमें सभी आइसक्रीम को अच्छे से सेट कर लीजिए ताकि ये इधर उधर ना, और बढ़िया सा इसे फ्रीजर में रख देंगे 6 घंटे के लिए। 6 घंटे बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आइसक्रीम बिल्कुल परफेक्ट जम के तैयार हो चुकी है, यानी कुल्फ़ी ये देखिए एकदम परफेक्ट। तो चलिए अब मैं आपको इसे निकाल के दिखाती हूँ कि ये जो कुल्फ़ी है फ्रेंड कितनी ज़्यादा बढ़िया जमी हुई है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। देखिए अगर आप कुल्फ़ी ऐसे मोड से बाहर नहीं आ रही तो कुल्फ़ी को आप कुछ सेकेंड के लिए पानी में डिप कीजिए तो कुल्फ़ी बहुत आसानी से मोड से बाहर हो जाएगी। देखिए एकदम क्रीमी टेक्सचर में, एकदम रबड़ीदार ही हमारी कुल्फ़ी, वो भी घर पर सिंपल चीज़ों से बन के तैयार हो चुकी है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैं आपको इसे कट करके भी दिखाती हूँ कि कितनी ज़्यादा स्मूथ ये कुल्फ़ी बनी हुई है, बिल्कुल भी अंदर आइस क्रिस्टल नहीं है। जैसे मार्केट वाली कुल्फ़ी होती बिल्कुल वैसे ही घर पे बन के तैयार हुई है। तो ये कुल्फ़ी बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब हम बनाते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी, जो कि इससे भी ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार, वो है कोकोनट की कुल्फ़ी। इसे बनाने के लिए यहाँ पर आपको एकदम फ्रेश यहाँ पर कोकोनट का इस्तेमाल करना है। ये देखिए
अगर आपके पास ये ऐसा कोकोनट नहीं है तो आप यहाँ पे सूखा वाला नारियल भी ले सकते हैं, उसके ब्लैक वाले छिलके को निकाल दीजिए और उस तरीके आप उसकी कुल्फी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर नारियल का पानी मैंने हटा दिया है, उसको बाद में इस्तेमाल करेंगे। और नारियल के ब्लैक वाले छिलके को हटा दीजिए और इस तरीके से आप इसे बढ़िया से छोटे छोटे पीसेस में नारियल को कट कर लीजिए देखिए। और नारियल की जो कुल्फी होती है फ्रेंड वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो देखिए मैंने कट कर लिया, अब इसे डाल देंगे यहाँ पर एक ग्राइंडिंग जार में। तो इस तरीके के आप एक जार ले लीजिए, इसमें यहाँ पर इसे डाल दीजिए। इसमें ऐड करना है आपको यहाँ पर नारियल वाला पानी। तो बस नारियल वाला पानी डालने के बाद इसे बढ़िया सा ग्राइंड कर लेना है। अगर ग्राइंड करते समय आपको ऐसा लग रहा है ग्राइंड नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक पतीला लेना है जिसमें 2 कप दूध डालना है। दूध को अच्छे से गर्म कर लेना। तो देखिए यहाँ पर दूध बढ़िया से गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ यहाँ पर चीनी। तो चीनी आप अपने अनुसार डालिएगा। तो यहाँ पर 3 से 4 चम्मच के लगभग चीनी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 4 चम्मच चीनी डाल दी है, अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए चीनी बढ़िया सा दूध में मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करी 1/4 कप इसमें मावा ऐड कर देंगे। यदि आपके पास मावा नहीं है तो आप यहाँ पर मिल्क पाउडर भी ले सकते हैं 2 बड़ा चम्मच। और बस अब मावा डालने के बाद अच्छे से मिक्स करके इसे अच्छे से दूध के साथ पका लेना है। अब इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच कस्टर्ड पाउडर, जिसमें थोड़ा सा दूध डाल के बढ़िया सा मिक्स करेंगे। यदि आपको कुल्फ़ी बनानी है, अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं तो इस तरीके से कस्टर्ड पाउडर डाल के भी आप कुल्फ़ी बना सकते हैं। तो बस इस तरीके से बढ़िया सा पकाना है दूध के साथ। ये देखिए बढ़िया सा गाढ़ा हो चुका है, एकदम परफेक्ट इस तरीके से। तो बस अब ये ठंडा होने के बाद इसमें आप ऐड कर दीजिए यहाँ पर नारियल जिसे आपने पीस के रखा है, और बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। दूध जब बढ़िया से ठंडा हो जाए तभी आपको ये पिसा हुआ नारियल ऐड करना है। और बस इसके बाद आइसक्रीम वाले कुल्फी वाले मोल्ड में इसे अच्छे से फिल कर लेना है। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी फ्रेंड ये कोकोनट की कुल्फी बनती है। एक बार आप इसे मेरे तरीके से ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो यहाँ पर हमने कुल्फी वाले मोल्ड में इसे अच्छे से फिल कर लिया। इसके ऊपर पॉलीथीन लगा करके रबर बैंड से बढ़िया से सील कर देंगे ताकि कुल्फी बिल्कुल परफेक्ट जम करके तैयार हो। ये देखिए यहाँ पर आइसक्रीम वाली जो स्टिक है इसके अंदर डाल देंगे। तो अब इसे फ्रीजर में 6 से 7 घंटे के लिए रख देंगे। और देखिए यहाँ पर हमारी कुल्फ़ी बिल्कुल जम करके तैयार हो चुकी है, बिल्कुल मार्केट जैसी कुल्फ़ी, वो भी घर पर सिंपल चीज़ों से। तो देखिए यहाँ पर हमारी कोकोनट की कुल्फ़ी बिल्कुल परफेक्ट जमी हुई है। तो चलिए मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम परफेक्ट, और खाने में सच माने बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मार्केट से कहीं ज़्यादा टेस्टी ये कुल्फ़ी बनी हुई है। एक बार आप इसे मेरे तरीके से ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। कम चीज़ों में टेस्टी से कुल्फी बनके तैयार हो चुकी है। तो चलिए बनाते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी जो कि इससे भी ज़्यादा मज़ेदार है, मैंगो कुल्फी। इसे बनाने के लिए यहाँ पर आपको एक पतीला लेना है जिसमें आपको डालना है 1.5 कप दूध का इस्तेमाल करना है। 1.5 कप दूध से आप यहाँ पर ये टेस्टी से कुल्फी बना सकते हैं। दूध को अच्छे से गर्म कर लेना है। तो मैं आपको जो भी कुल्फी की रेसिपी शेयर करें फ्रेंड, अगर आपके पास कम दूध भी है तो कम दूध में आप इतनी टेस्टी से कुल्फी बना सकते हैं। अब इसमें आपको चीनी डालना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। चीनी आप अपने अनुसार डालिएगा, जैसा भी कम मीठा खाना पसंद करते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें ऐड कर देना है यहाँ पर मावा। तो मैं यहाँ पर 3 कुल्फी में इस तरीके से मावे का इस्तेमाल मैंने किया है। यदि आपके पास मावा नहीं है तो आप यहाँ पर मिल्क पाउडर या फिर दूध की क्वान्टिटी ज़्यादा भी ले सकते हैं। और बस अच्छे से मावा डालने के बाद बढ़िया सा मिक्स करना है, सिर्फ दूध के साथ पका लेना है। अब इसमें लास्ट में ऐड करना है यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच कस्टर्ड पाउडर, जिसमें थोड़ा सा दूध डाल के बढ़िया सा मिक्स कर लेना है। यदि आपके पास यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप बिना कस्टर्ड पाउडर डाले भी इस कुल्फी को ऐसे ही बना सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल करके दूध के साथ मिक्स कर लीजिए और इसे डाल दीजिए तो दूध बढ़िया सा थिक हो जाएगा। और बस ये रेडी हो चुका है। अब ये देखिए यहाँ पर मैंगो कुल्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक आम ले लिया है, ये देखिए मैंगो, और इसे हम इस तरीके से कट करेंगे। देखिए तो इसे मैंने यहाँ पर मैंगो को कट कर लिया है। अब मैंगो के अंदर का जो पल्प है उसे आपको इस तरीके से कट करके निकालना है। देखिए आप मैंगो को छील करके भी इसके पल्प को निकाल सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर इसके देखिए बढ़िया से पीसेस मैंगो के हो रहे हैं। देखिए तो ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में आपको यहाँ पर मैंगो को कट कर लेना है। देखिए तो कट करने के बाद मैंगो को आपको इसको एक ग्राइंडिंग जार में डालना है मैंगो को। और इसमें अब हम ऐड करेंगे यहाँ पर 1.5 चम्मच यहाँ पर शुगर ऐड कर देंगे, और इसे बिना पानी डाले आपको इसे पीस के तैयार कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमने मैंगो को बढ़िया से ग्राइंड कर लिया, इस तरीके से बढ़िया सा स्मूथ सा पेस्ट तैयार है मैंगो का। आप इसमें डालेंगे यहाँ पर ये दूध जिसे मैंने रेडी किया है।
तो यहाँ पर ये देखिए दूध को हमने इसमें डाल दिया है। अब बढ़िया सा इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। और देखिए मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। देखिए एकदम क्रीमी टेक्सचर में, ये देखिए मैंगो का ये मिक्सचर बिल्कुल रेडी है आइसक्रीम का। ये देखिए कितना ज़्यादा क्रीमी स्मूथ दिख रहा है। तो चलिए इसे इस कुल्फी वाले मोल्ड में बढ़िया सा फिल कर लेते हैं। तो इस तरीके से जब आप ये मैंगो कुल्फी घर पर बनाएंगे तो फ्रेंड ये जिसे भी खिलाएंगे हर कोई आपसे यही पूछेगा कि आपने इस कुल्फी को घर पर बनाया फिर मार्केट से लेकर के आए। बहुत ज़्यादा टेस्टी, मार्केट से कहीं ज़्यादा टेस्टी आप घर पर मैंगो कुल्फी बना सकते हैं। तो ये लीजिए, इसको हम 6 घंटे के लिए बढ़िया सा फ्रिज करने के बाद मैं आपको इसे दिखाती हूँ। देखिए एकदम परफेक्ट हमारी ये मैंगो कुल्फी जमकर के तैयार हो चुकी है। और सच माने खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है कुल्फी बनी हुई है। तो आपको मैं इसे निकाल के दिखाती हूँ कि कितनी परफेक्ट कुल्फी जमी हुई है। ये देखिए तो कुल्फी को इस तरीके से मैं यहाँ पर आइस क्यूब के ऊपर रख रही ताकि ये बिल्कुल मेल्ट ना हो कुल्फी। और देखिए एकदम परफेक्ट हमारी कुल्फी जम के रेडी हो चुकी, खाने में बहुत टेस्टी है। तो चलिए अब हम बनाते हैं यहाँ पर अपनी नेक्स्ट रेसिपी जो कि है पान की कुल्फी, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसके लिए यहाँ पर आपको लेना है एक बर्तन जिसमें डालना है आपको 2 बड़ा कप यहाँ पर दूध। दूध डालने के बाद अच्छे से दूध को गर्म करना है, दूध में बढ़िया सा उबाल आने देना है और साथ में दूध बढ़िया से गर्म हो जाए तो इसमें आपको चीनी ऐड करना है। चीनी ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर जो चीनी है दूध में बढ़िया सा मिक्स हो चुकी है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर लिया है। इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड जब आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं हो तो आप यहाँ पर ये कॉर्नफ्लोर भी इस्तेमाल कर सकते। कॉर्नफ्लोर के साथ थोड़ा सा मिल्क पाउडर लीजिए तो बहुत ज़्यादा टेस्टी सी कुल्फी आपकी बनकर के तैयार होगी। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं तो बिना मिल्क पाउडर भी इस तरीके से डाल के इसे बना सकते हैं। तो दूध को बढ़िया सा इसे गाढ़ा होने तक पका लेना है। देखिए बिल्कुल रेडी है। तो पान कुल्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 4 पान के पत्ते ले लिए। एकदम फ्रेश यहाँ पे पान आपको इस्तेमाल करना है। और पान की जो इस तरीके की मोटे डंठल आपको दिख रहे हैं इसे आपको हटा देना है। ये देखिए तो मैंने इसे हटा दिया है। ये देखिए एकदम परफेक्ट हो चुका है। तो आप पान के एकदम छोटे छोटे से आपको इसके टुकड़े करने यानी कि इसके पीस इस तरीके से कर लेने हैं। तो यहाँ पर आपको एक लेना है ग्राइंडिंग जार, इसमें जो पान को आपने कट करके रखे इसको एक ग्राइंडिंग जार में डाल देना है। अब इसमें ऐड करना है 5 से 6 काजू ऐड कर दीजिएगा। साथ ही इसमें 4 मैंने यहाँ पर खजूर लिया है और खजूर के बीज को निकाल करके इसमें डालना है। और साथ ही 1 बड़ा चम्मच मैं इसमें गुलकंद ऐड करी। गुलकंद के बिना पान की आइसक्रीम बिल्कुल अधूरी है, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। और इसमें 2 बड़ा चम्मच मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ कोकोनट का पाउडर और 1 बड़ा चम्मच यहाँ पर सौंफ ऐड कर देंगे और साथ ही कुटी इलायची का पाउडर ऐड करेंगे। और साथ ही एक यहाँ पर कलछी भर के मैं इसमें दूध डाल रही हूँ और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और ये लीजिए यहाँ पर बढ़िया सा पान का जो पेस्ट है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसके दूध वाले मिक्सर में आपको इसमें डालना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे जैसे मैं इसे मिक्स कर रही हूँ तो इतना बढ़िया सा इसमें ग्रीन कलर आ रहा है। ये देखिए एकदम परफेक्ट नेचुरल ग्रीन कलर ये पान का बिल्कुल इस तरीके से मिक्स रेडी हो चुका है। अब इस पान वाले मिक्सर को इस वाले कुल्फी वाले मोल्ड में अच्छे से फिल कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने अच्छे से फिल कर लिया है। तो अब इसके ऊपर आप यहाँ पर थोड़ी सी रोज़ पेटल डाल दीजिए, यहाँ पर टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं इसको गार्निशिंग करने के लिए। अब इसके ऊपर पॉलीथीन रैप करके आइसक्रीम वाली स्टिक लगा दीजिए, इसे 6 से 7 घंटे के लिए फ्रिज कर लीजिए। तो ये हमारी आइसक्रीम बढ़िया सा जम करके तैयार हो चुकी पान कुल्फी, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और इसका जो फ्लेवर है फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एक बार आप इसे इस गर्मी में जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़्यादा टेस्टी और कम चीज़ों में ये टेस्टी सी पान की कुल्फी घर पर बन करके बिल्कुल तैयार हो चुकी। अगर आपको ये पान की कुल्फी की रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और आज के इस वीडियो में मैंने आपके साथ 4 कुल्फी की रेसिपी शेयर की। इसमें कोई भी कुल्फी आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी रेसिपी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हो। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।